नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाती वाली और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 3000 प्लस ऑनलाइन क्वेश्चन पार्ट 11 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। इससे पहले पार्ट 10 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज देख सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जब आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को सही से रिवाइज कर सकें, तो ऑनलाइन फैक्ट्स के माध्यम से तैयारी करना एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है। तो चलिए इसी कड़ी में हम देखते हैं पार्ट 11 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और पहला फैक्ट है, संघ राज क्षेत्रों में से केवल 2 संघ राज क्षेत्रों अर्थात दिल्ली और पुडुचेरी का ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, क्योंकि केवल इन 2 संघ राज क्षेत्रों में ही विधानसभा है। इन संघ राज क्षेत्रों में से कुल 4 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, 3 सदस्य जिसमें से दिल्ली से और 1 सदस्य पुडुचेरी से। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित राज्य बना दिया गया और वहाँ पर विधानसभा है जिसमें से 4 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अभी जो 4 सदस्य थे जम्मू कश्मीर के, उनका कार्यकाल फरवरी 2021 में पूर्ण हो चुका है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी परिसीमन वहाँ पर हो रहा है, परसीमन का कार्य चल रहा है, तो इसलिए जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा वहाँ से वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है। तो भविष्य में आपको इसको अगर कोई अपडेट होता है तो उसको आप अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। हालांकि आज की डेट में अगर हम बात कर लें, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो टोटल 4 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, सॉरी संघ राज क्षेत्रों में से केवल 2 संघ राज क्षेत्रों अर्थात दिल्ली और पुडुचेरी का ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। और यहाँ से केवल 4 सदस्य जिनमें से 3 सदस्य दिल्ली से और 1 सदस्य पुडुचेरी से राज्यसभा में है। 1857 के विद्रोह को वीर सावरकर ने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी थी। उत्तर प्रदेश में सन 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए थे। देखिए ये फैक्ट तैयार करने के लिए, चूंकि मैंने बहुत पहले एडीवी 47 के दौरान एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, उसमें से मैंने केवल एक नाम दिया था। और आज भी उसके कमेंट आते हैं तो मुझे लगा कि चलिए उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देख लें कि जब से कांग्रेस का गठन हुआ और स्वतंत्रता तक यानी 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हुए और लखनऊ में उसमें कितने अधिवेशन हुए। तो ये फैक्ट्स आपके सामने, अभी तक अगर हम बात कर लें सन 1947 तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें से सबसे अधिक 3 बार लखनऊ में और 3 ही बार जो है इलाहाबाद में हुए। तो लखनऊ में जो 3 बार अधिवेशन हुए कांग्रेस के, वो कौन कौन से? पहला 1899 ईस्वी, जिसकी अध्यक्षता की थी रमेश चंद दत्त ने। दूसरा 1916 ईस्वी, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और 1936 ईस्वी का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये 3 हो गए। अन्य 3 जो इलाहाबाद में हुए कौन कौन से? तो 1888 ईस्वी में जो इलाहाबाद का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। 1892 में जो इलाहाबाद अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। जबकि 1910 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी सर विलियम वेल्डर वार ने। तो ये 6 हो गए। अब 3 अन्य जो उत्तर प्रदेश में हुए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने। जबकि 1946 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो मेरठ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य JB कृपलानी जी ने। अगला पॉइंट है, 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। प्रदूषित जल के कारण होने वाला वायरस जनित रोग कौन सा? तो पीलिया है। अष्टछाप में शामिल कवि, जो अष्टछाप है उसमें कौन कौन से कवि शामिल थे? तो यह थे सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, नंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक संबंधित है अधीनस्थ न्यायालयों से। सार्वजनिक निगम सरकारी संस्थानों के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण खोज है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था WA रावंस ने। और अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान सभा की परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा आप जानते हैं कि संविधान सभा का जो निर्माण है किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, इसमें जितने भी लोग जिन लोगों का भी योगदान था संविधान निर्माण में, सभी लोगों का जो कार्य था अति महत्वपूर्ण था। तो इसलिए हमें सभी कहीं से भी प्रश्न बन सकता है और सबको आपको याद रखना है। बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में पहला हिंदी पत्र था, इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित करवाया था। भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है शुक्र को।
किसी पाचतंत्र में जैविक पदार्थ के उत्पादन तथा उपभोग में विषमता की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो किसी पाचतंत्र में जैविक पदार्थ के उत्पादन और उपभोग में जो विषमता होती है उस स्थिति को पाचतंत्र असंतुलन कहा जाता है। वर्ष 1984-85 में लोक उपक्रमों की नीति तथा कार्यकरण पर बने अर्जुन सेन गुप्ता समिति की सिफारिशों पर आपसी समझौता प्रणाली को वर्ष 1987-88 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय नृत्य पर अगर सबसे पुरानी पुस्तक की बात करें तो जैसा आप लोग जानते हैं कि नाट्यशास्त्र है और इसकी रचना की है भरत मुनि ने। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, निर्णयात्मक नहीं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन को सुधारना और अधिगम को बढ़ावा देना होता है। भूभौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भूभौतिकी का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीस को। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था वर्ष 1946 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसमें प्रतिनिधियों की कुल संख्या 72 थी। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है स्ट्रेटोस्फियर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है जामनगर गुजरात में। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। हाथी परियोजना भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 1991-92 में शुरू की गई थी। धूमकेतु की पहली फोटोग्राफिक खोज अमेरिकी खगोल शास्त्री एडवर्ड बर्नार्ड ने 1892 में की थी, जब वह मिल्की वे की एक तस्वीर ले रहे थे। राज्यसभा के एक सदस्य का निर्वाचन सामान्यतः 6 वर्षों के लिए होता है जैसा आप लोग जानते हैं, परंतु उस स्थिति में जबकि मध्यावधि चुनाव में कोई निर्वाचित सदस्य आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पूरे सेंटेंस को फिर से देख लेते हैं। राज्यसभा के केवल एक सदस्य का निर्वाचन सामान्यतः 6 वर्षों के लिए होता है, परंतु किसी मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित सदस्य सिर्फ शेष अवधि के लिए ही सेवारत रहता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा की बैठक कराने के लिए गणपूर्ति की संख्या की अगर बात करें तो यह होती है कुल संख्या का 10वां भाग, अर्थात वर्तमान की परिदृश्य में अगर बात करें तो 25 सदस्य होगी। ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों से संबंधित विभिन्न आयोगों का सही क्रम, बहुत यह प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वुड का घोषणा पत्र 1854, हंटर आयोग 1882, सेंडलर आयोग 1917 और सार्जेंट आयोग 1944, तो ये क्रम आपको याद रखना चाहिए। जल में किसी प्रकार की अवांछनीय गैसीय द्रव्य या ठोस पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। नियंत्रण की संस्थित तथा आत्म प्रभाव उत्पादकता व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित शिक्षण क्षमताएं हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए 2 अखबारों का संपादन किया था, जिसमें केसरी मराठी भाषा में था जबकि जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ हुआ था सन 1870 ईस्वी में, हालांकि जो पहला उत्पादन हुआ था वो 1874 ईस्वी में हुआ था। दोनों तिथियां आपको याद रखना। अधिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक प्रमुख ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। हरे पेड़ पौधों में भोजन उत्पादन की जैव रासायनिक क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का कवच है वायुमंडल। लोक निगम, देखिए कथन है लोक निगम से संबंधित, अर्नेस्ट डेविड का क्या कथन है? लोक निगम पृथक अस्तित्व रखने वाले ऐसे संगठन है जो किसी के विरुद्ध न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा इनके विरुद्ध अन्य कोई मुकदमा कर सकता है तथा ये संगठन अपनी वित्तीय व्यवस्था के लिए जवाबदेह होते हैं। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। शिक्षण के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से? स्मृति स्तर शिक्षण, दूसरा बोध स्तर शिक्षण और तीसरा चिंतन स्तर शिक्षण। तो ये 3 स्तर होते हैं शिक्षण के। भारत की संचित नीति पर नियंत्रण होता है संसद का। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था वर्ष 1999 में। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को। वैज्ञानिक समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में और अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने की थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। हालांकि देखिए ये जो पॉइंट है काफ़ी डाउटफुल है, इसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, तो आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मुझे जो फैक्ट्स कलेक्ट करते हुए मिला वो आपके सामने है। शोध में एक व्यक्ति को व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों होना चाहिए। संवादपरक शिक्षणविद एक संप्रेषण विधि होती है जिनमें उन तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो संप्रेषण से जुड़े होते हैं। अनुशिक्षण, समूह चर्चा, व्याख्यान, प्रश्न उत्तर प्रक्रिया आज संवादपरक शिक्षण विधियों के कुछ उदाहरण हैं। कल्लर ने राज तरंगिणी की रचना अंतिम लोहार शासक जयसिंह के समय में की थी और इस पुस्तक में उन्होंने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया था। दोस्तों ये 50 पॉइंट थे
मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से चला के रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वन लाइन फैक्ट्स के माध्यम से अगर आप एक बार वीडियो देख के छोड़ देते हैं तो फिर वो फैक्ट्स एग्जाम के समय जो है काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, मानना ना मानना देखिए आप लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आप के लिए बेहतर रहेगा। तो अगला वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा, तैयार है, बस उसको बना के अपलोड करना। जब तक आप लोग ये वीडियो देखिए, अगला वीडियो मैं आपको फिर उपलब्ध कराता हूँ। लगातार मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके इन फैक्ट्स को कवर किया जाए। हालांकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पूरे फैक्ट्स कलेक्ट करना, उसके बाद उसका क्रॉस चेक करना, ट्रांसलेशन करवाना, तो एक लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद उस सबका एक फंड इस तरीके से तैयार करना जो रीडेबल हो सके आपके मोबाइल में, तो इसके लिए थोड़ा समय लगता है, बट धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे, पूरा कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।